हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका की हाई थिंकिंग में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हमेशा ठीक रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज बनाते हैं बढ़िया सी टेस्टी रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए हेल्दी नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज बनाएंगे लहसुनी पालक चीला। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आप इसे मॉर्निंग में खा लेंगे तो शाम तक आपको भूख नहीं लगेगी और आप अपने आप को हल्का फील करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये लहसुनी पालक चीला। तो पालक की एक गुच्छी लेंगे और इसके पत्तों को तोड़ के अच्छे से 5-6 पानी से हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ मैंने गैस के ऊपर एक गहरे से बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करेंगे। तो शुगर इसलिए ऐड किया है कि पालक में थोड़ा सा कड़वापन होता है तो वो नहीं लगेगा। अब हम इसमें पालक ऐड करेंगे। तो पालक को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम पालक को इसमें ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा ब्लांच करेंगे। तो पालक को लिड से कवर करके 1-2 मिनट के लिए ब्लांच करेंगे। तो पालक हमारी अच्छे से ब्लांच हो गई है। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब एक बड़े से बोल में चिल्ड वाटर लेंगे और इसमें पालक को डालेंगे। तो ब्लांच किए हुए पालक को ठंडे पानी में रखेंगे तो इसकी जो ग्रीनिस है वो एजिटिज ऐसे रहेगी। तो पालक हमारी ठंडी हो गई है तो इसका पानी अच्छे से निचोड़ लेंगे और एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, इसमें ऐड करेंगे और थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऐड करेंगे, 2-3 हरी मिर्च ऐड करेंगे, इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो पालक का पेस्ट बनके हमारा रेडी हो गया। तो अब कोई कंटेनर लेंगे और इसमें पालक के पेस्ट को डालेंगे। तो सारी पालक के पेस्ट को हम आज यूज नहीं करेंगे, थोड़ी यूज़ करेंगे। तो ऐसे आप इसे ब्लांच किए हुए पालक के पेस्ट को फ्रिज में रखिए और इसे 1 हफ्ते तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो अब अपने चीले की तैयारी कर लेते हैं। तो इसमें 1 कप गेहूं का आटा ऐड करेंगे। अब आटे में 2 लैडल भर के इसमें ब्लांच किए हुआ पालक पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसमें 10 से 12 फाइन चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल भी ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद जिसमें मैंने पालक ग्राइंड किया था उस ग्राइंडर में पानी डालकर थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे और इसका एक पोरिंग बैटर रेडी करेंगे। तो बैटर हमारा रेडी हो गया। तो बहुत ज़्यादा पोरिंग नहीं होना चाहिए, थोड़ा ठीक होना चाहिए। तो गैस के ऊपर एक नॉनस्टिक पैन रखा है। अब इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। उसके बाद हम अपना चीला बनाएंगे। तो घी को स्पैचुला से थोड़ा सा फैला देंगे। उसके बाद 2 लैडल भर के पालक वाला बैटर इसमें डालेंगे। तो बैटर ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा फैला लेंगे। उसके बाद लिड से कवर करके इसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे। तो अब लिड हटाएंगे तो चीला हमारा एक साइड पक गया है। अब इसे दूसरी साइड पलटेंगे तो इसके ऊपर थोड़ा सा घी स्प्रेड कर देंगे। तो चीले को दूसरी साइड पलटने के बाद इसे स्पैचुला से प्रेस करते हुए पकाएंगे। 1 मिनट में ये अच्छे से पक जाएगा। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो एक चीला बनके हमारा रेडी हो गया। अब इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम 4 चीले और बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लहसुनी पालक चीला बनके रेडी हो गया। आप इसे जब भी खाएंगे तो बस खाते रह जाएंगे, इतना टेस्टी लगता है ये। और जब भी चीला खाने का मन करेगा तो यही वाला चीला आप ट्राई करेंगे। तो आज मेरी ये लहसुनी पालक चीले की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।